मैं बस यही कहना चाहूँगा, आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूज़िक अवार्ड स्पेसिफिकली जो सिर्फ म्यूज़िक के लिए हैं अक्रॉस ऑल जॉनर्स, ऐसा एक अवार्ड फंक्शन है. एंड मैं होप करूँगा कि मैं जब अभी अंदर जाऊँ तो सारे जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के सारे फ्रेंड्स हैं सबके सब वहाँ पे हों, सब इन्जॉय करें. एंड इस तरह से म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को भी एक चेहरा मिलता है, सो दैट द ऑडियंस नोज कि कौन सा सिंगर, कौन सा लिरिसिस्ट, कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है. एंड एक पहचान बन जाती सबकी. सो आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक दैट देयर इज अ म्यूज़िक अवार्ड फंक्शन लाइक रेडियो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स. वेल, फिलहाल मैं पार्टिसिपेंट हूँ खतरों के खिलाड़ी में एंड ऑन कॉलेज, एंड ये चलेगा कुछ टाइम तक. लेट्स सी उसमें क्या होता है. एंड अप्रैल म्यूजिक वाइज स्पेसिफिकली अभी मैं हेयर स्टाइल के बारे में बताइए, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है क्या कुछ है? वेल, कई सालों तक मैं एक मुर्दा जानवर को अपने सर पे लेके घूमता रहा. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस मुर्दा जानवर को संभालना बहुत मुश्किल है, तो बाल थोड़े छोटे करवा लिए दोनों साइड से. एंड अब बहुत आसान हो गया है, बस ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता है, अपनी ही धुनकी में रहता है, इसलिए बाल हमेशा ऐसे रहते हैं. ये अब कोई जिंदा जानवर है. यार गाने सारे मेरे दिमाग में मिक्स हो गए, कौन से साल का कौन सा है. 2014. अरे वो अभी मैंने वहाँ पे गाए. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे.